शाम को जब बाजार जाते हैं ना तो एक आदमी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पता है कौन सा वाला, जो फ्रेश मोमो स्टीम कर रहा होता है। क्योंकि मोमो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा लेबर इंटेंसिव है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मुझे भी लगता है कि यार बाहर से ही खा लो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर बाहर से खा लिया तो फिर लोग घर पर कैसे बनाएंगे, तो मुझे सिखाना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको एक बढ़िया टिबेटन चिकन मोमो की रेसिपी दिखाता हूँ। उसमें सब्जियां भी हैं और चिकन भी हैं। वैसे रेसिपीज़ बहुत सारी हैं, मेरी वाली देखें। यहाँ पे थोड़ी सी स्टफिंग बनाई जाएगी इसकी, ऑयल, उसमें हम सॉटे करेंगे थोड़े से प्याज, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च और जिंजर। अच्छा, अभी कुछ लोग कच्चा चिकन यूज़ करते हैं, कुछ लोग बॉयल्ड चिकन यूज़ करते हैं। अब बॉयल्ड चिकन क्यों, क्योंकि जल्दी बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और चिकन को बॉयल करके यू विल ऑलवेज मेक श्योर कि अंदर कच्चा चिकन नहीं। चलो जी, ये हो गया चिकन चॉप। अब इसमें टोटली अप टू यू कि अगर आपको थोड़ी सब्जियां डालनी है कि नहीं डालनी। तो मेरे पास हैं थोड़े से चॉप गाजर, चॉप शिमला मिर्च हरी, चॉप शिमला मिर्च पीली, चॉप स्प्रिंग अनियन, देन वी नीड टू ऐड सॉल्ट एंड पेपर एंड अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी सारी चीज़ों को एक साथ भूनना है। और साथ ही में ये चिकन, तो इस मिक्सचर को लाइटली टॉस कर लिया। इसमें चिकन पका हुआ है, जो सब्जियां हैं वो हल्की सी क्रंची हैं, हल्की सी पक गई हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि वो जब पकेगा बढ़िया टेस्ट देगा। हल्का सा पानी या स्टॉक, दैट विल कीप इट मॉइस्ट एंड ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। दो मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे, पानी जो है थोड़ा सूख जाएगा, बाकी सारी चीज़ों को इकट्ठा ले आएगा। देन द स्टफिंग इज डन। अब इसके बाद बनाते हैं इसका डो। मोमो का डो बनेगा थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा स्टिफ, लेकिन उसमें जाएगा थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक एंड साथ में पानी। खैर, मोमोज आज की डेट में इंडिया में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हर गली नुक्कड़ पे आपको मोमो शॉप्स दिखाई देंगी। बट मोमो ट्रेडिशनली आए टिबेट से, चाइना में इनके भाई बहन बोलते हैं डिमसम्स। वो मोमो से बहुत अलग है, क्योंकि डिमसम सिर्फ मैदे से नहीं बनते। डिमसम पोटैटो स्टार्च से बनते हैं, डिमसम राइस स्टार्च से बनते हैं, डिमसम अलग अलग वेरिएंट से बनते हैं। 100 से 150 वेराइटी हैं डिमसम्स की, चिकन वेज डिमसम, डेजर्ट्स डिमसम, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिमसम में। डिमसम इज़ अ वास्ट टॉपिक, लेकिन जो मोमो हैं वो ट्रेडिशनल हैं। वो या तो पोक के बनते हैं, या चिकन के बनते हैं, या वेज बनते हैं, और अलग अलग तरीक़ों से बनते हैं। 6 शॉप में 6 अलग फीलिंग मिलेंगी आपको, पर 6ों के 6ों बहुत टेस्टी। चिकन थोड़ा सा मैशी हो गया है, सब्जियाँ पक गई हैं और पानी सूख गया है। नाउ दिस नीड्स टू कूल डाउन। मैदे में होता है ग्लूटेन, आटे में भी होता है, और उस ग्लूटेन को अगर आप एक्सरसाइज कराएंगे ऐसे, तो वो किसी भी डो को लचीला बनाता है। लचीला मतलब जितना आप इसको स्ट्रेच करो वो स्ट्रेच हो। अब ये डो जो है ये टाइट है, लेकिन ये इसको हमें स्ट्रेचेबल बनाना, ताकि जब ये स्टीम हो तो ये बाइटिंग हो, लेकिन साथ में ऐसे रबड़ जैसे बाइटिंग ना हो, सॉफ्ट बाइटिंग हो। ये जो डो बॉल्स काटे गए हैं इनको एकदम राउंड पहले रोल करेंगे, फिर उसके बाद बेलेंगे, और फिर स्टफ करेंगे, और फिर स्टीम करेंगे। मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग मोमो, वन ऑफ द वेज
स्टफिंग बीच में ली जाए, साइड में लगे पानी। अब इन दोनों एरियाज को अच्छे से सील करना है, मेकिंग श्योर दैट द डिमसम इज नाइस एंड टाइट। साइड्स को अच्छी तरह से सील किया और पतला किया। अब ऐसे दो जगह पे लगा के बना दिया। फिर ट्रायंगल फोल्ड, वेरी इजी। स्टफिंग इन द सेंटर, साइड्स में थोड़ा पानी लगाएंगे एंड नाउ जस्ट क्लोज इट लाइक दिस। ट्रायंगल वन एंड जो दूसरा साइड है इसे उठा के इन दोनों सिरों के साथ चिपका दिया जाएगा। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो स्टीमर में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाता है उसे हम वाइप कर लें और हल्का सा ऑयल छिड़क दें ताकि मोमो कभी चिपके नहीं। अब ये सीधा इसके अंदर, थोड़ा गैप ज़रूर छोड़िएगा नहीं तो क्या होगा, चिपक जाएंगे मोमो। मोमो अब गए स्टीम होने, ये लेंगे 7 से 10 मिनट, डिपेंड करेगा। चिकन तो पका हुआ है, सिर्फ बस मोमो का जो रैपर है ना वो थोड़ा अच्छे से स्टीम हो जाएगा, बढ़िया मज़ा आएगा। अब वो स्टीम्ड मोमो को आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं, हाँ बड़ा मज़ा आता है उसमें, और खाएं उसके साथ मोमो चटनी। 8 से 10 मिनट स्टीमिंग हॉट, सुपर्ब। अब कैसे पता चलेगा कि मोमो हो गए हैं? व्हेन दे आर डन, ये जो इनकी क्रस्ट है ना ये ऑलमोस्ट वाइट हो जाती है। नाउ जस्ट प्रेजेंट देम इन अ नाइस डिमसम बास्केट। स्टीमिंग हॉट डिमसम का जब ये, सीरियसली बता रहा हूँ, जब ये खुलता है ना आपके सामने तो ये खुशबू, ये फ्रेशनेस और साथ में बढ़िया सी चिल्ली शेजवान सॉस हो, आहा हा हा, डिप करो और बाइट करो और चलिए मैं इसे एंजॉय करता हूँ। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ट्राई करें क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको ट्राई करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि चिकन मोमो वेज मोमो कैसे बनते हैं। बनाइए, अब इजी हो गए हैं।